Impediment, impediment का मतलब होता है बाधा डालना उसको हम लोग इम्पेडिमेंट कहते हैं इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हर्डल हो जाएगा obstruction हो जाएगा ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है Impious, impious का मतलब होता है जो बेईमान होता है उसको हम लोग एम्पियस कहते हैं तो इसका सिनोनिम जो है irreligious हो जाएगा अनहॉली हो जाएगा ये सब इसके इम्पोर्टेंट सेनानिम्स बनेंगे नेक्स्ट वर्ड हमारा है इम्प्यूट इम्प्यूट का मतलब होता है कि आरोप लगाना किसी के ऊपर उसको हम लोग जो है इम्प्यूट कहते हैं इसका सेनाम जो है एट्रीब्यूट बन जाएगा और हमारा एस्क्राइब बन जाएगा ये सब इसके सेनानिम्स बनेंगे नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव होना उसको हम लोग इंक्लिनेशन कहते हैं इसका सेनानी जो है डिस्पोजिशन हो जाएगा अफेक्शन हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है इनकम्पटेंट इनकम्पटेंट का मतलब होता है कि जो कैसा होता है अयोग्य होता है किसी किसी चीज़ के लिए उसको हम लोग इनकम्पटेंट कहते हैं इसका सेनानी जो है इनइफिशेंट हो जाएगा और हमारा अनस्किल्ड हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है इनक्रस इनकाग्रुएस का मतलब होता है कि जो कैसा असंगत होता है बेतुका होता है उसको हम लोग इनकाग्रुएस कहते हैं इसका सिनाइस जो है इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा एब्सर्ड होता है नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है इनएविटेबल इनएविटेबल का मतलब होता है जो चीज़ अनिवार्य होती है उसको हम लोग इनएविटेबल कहते हैं इसका सिनाम जो है अनअवाइडेबल हो जाएगा और हमारा एसर्टेन्ड हो जाएगा ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनफ्रिंज। इनफ्रिंज का मतलब होता है कि किसी चीज़ का उल्लंघन करना उसको हम लोग जो है इनफ्रिंज कहते हैं इसका सेनानिम्स जो है वायलेट हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा इनक्रोच हो जाएगा ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है वर्ड हमारा इनजेनुअस इनजेनस का मतलब होता है सरल या फिर शुद्ध जो चीज़ होता है उसको हम लोग इनजेनुअस कहते हैं इसका सिनोनिम जो है अनडिस्कस्ड हो जाएगा और हमारा नेव हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है इंसिनुएट इंसिनुएट का मतलब होता है इशारा करना उसको हम लोग जो है इंसिनुएट कहते हैं इसका सिनोनिम जो है क्या हो जाएगा एल्यूड हो जाएगा हिंट हो जाएगा यानी किसी को इशारा देना नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है इंस्टिपिड इंस्टिपिट का मतलब होता है कि जो फीका होता है बहुत उसको हम लोग टेस्टलेस होता है उसको हम लोग इंस्टिपिड कहते हैं इसका इसमें जो है टेस्टलेस हो जाएगा वैपिड हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है इंसॉलवेंट इंसॉलवेंट का मतलब होता है कि जो दिवालिया हो जाता है बैंक हो जाता है उसको भी हम लोग इंसॉलवेंट कहते हैं तो इसका इसम जो है इंडिजेंट हो जाएगा और हमारा डेस्टिट्यूट होता है नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है इंस्टिल इंस्टिल का मतलब होता है एक विचार होना या किसी चीज को लेकर दृष्टिकोण होना उसको हम लोग जो है इंस्टिल कहते हैं इसका सेनानिम जो है इनकैलकुलेट हो जाएगा और हमारा जो है इंजेक्ट हो जाएगा ये सब इसके सेनानिम्स बनते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा है इंट्रिकेट इंट्रिकेट का मतलब होता है कि जो चीज़ जटिल होता है उसको हम लोग इंट्रिकेट कहते हैं इसका सेनानिम जो है टैंगल्ड होता है और हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है एंट्रिक एंट्री का मतलब होता है इसका मतलब होता है जो साजिश जो करता है उसको हम लोग एंट्री कहते हैं इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा स्केम हो जाएगा और हमारा कंस्पायरेसी हो जाएगा ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं और एंट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हम लोग को ध्यान में रखना है नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक का मतलब होता है कि जो चीज़ कैसा होता है आंतरिक होता है उसको हम लोग जो है इंट्रेंसिक कहते हैं तो इसका सेंडेंस जो है जेनविन हो जाएगा फंडामेंटल हो जाएगा ये सब इसके सेलेंस बनेंगे नेक्स्ट वर्ड हमारा है इन्वेक्टिव इन्वेक्टिव का मतलब होता है कि जो फटकार देता है गाली देता है उसको हम लोग जो है इन्वेक्टिव कहते हैं इसका सिलेंस जो है एक्यूजेशन हो जाएगा और हमारा सेंसर हो जाएगा यानी किसी की आलोचना करना नेक्स्ट वर्ड हमारे क्या है इनवेंशिबल इन्वेंशिबल का मतलब होता है जो कैसा होता है अजेय होता है उसको हम लोग इन्वेंशिबल कहते हैं इसका सिनेम्स क्या हो जाएगा अनकंक्वेरेबल हो जाएगा और हमारा जो है इम्प्रिजनेबल हो जाएगा ये सब जो ए, इसके इंपॉर्टेंट सिनेम्स बनते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है ए का मतलब होता है जो कैसा होता है स्थिर होता है उसको हम लोग ई कहते हैं इसका सेनाम जो है रिसिस्टिबल हो जाएगा और हमारा जो है अनकनफर्म हो जाएगा ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे नेक्स्ट वर्ड हमारा कहें इमैक्युलेट इमेकुलेट का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल शुद्ध होता है बेदाग होता है उसको हम लोग इमेकुलेट कहते हैं इसका सेनान्यू जो है एग्जीक्यूटाइड हो जाएगा और हमारा जो है इम्पिकेबल हो जाएगा ये सब इसके सिल्स बनते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा है जेडेड जेडेड का मतलब होता है थकाया हुआ यानी जो बहुत टायर्ड हो और एग्जर्टेड हो उसको हम लोग जेडेड कहते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा है जिजून जिजून का मतलब होता है जो नीरस होता है बिल्कुल डल होता है बोरिंग होता है उसको हम लोग जो है जिजून कहते हैं